नमस्कार। अभी जो नया नया बजट आया है, बजट 2023, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने काफी कुछ नए लेके आए हैं। उन्होंने बताया कि एक नया टैक्स रिजीम हम लेके आ रहे हैं। उन्होंने 7 लाख तक का टैक्स भी जीरो कर दिया। इसमें काफी कंडीशंस है, काफी असमंजस भी है लोगों के अंदर, यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स कंसल्टेंट्स के भी अंदर कंफ्यूजन है। तो मैं अब इस वीडियो के तहत आप लोगों के साथ काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या उन्होंने प्रपोज किया है, क्या इन्होंने पहली बार प्रपोज किया है, पहले भी कुछ कुछ ऐसा था क्या, था तो वो क्या था, हमें क्यों नहीं पता था, और आज जब आया है तो क्या 7 लाख रुपए सबके लिए माफ है, यानी मेरा 7 लाख तक जीरो, 8 लाख अगर इनकम है तो 7 लाख जीरो, 1 लाख पर टैक्स लगेगा। क्या ऐसा है कि मेरा 7 लाख के नीचे नीचे इनकम है तो ही टैक्स जीरो है, सैलरीड क्लास हूँ, LIC भी कर रहा हूँ, PPF में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा है तो भी टैक्स जीरो होगा क्या? ये सारे असमंजस अपने हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, खास करके कि न्यू टैक्स रेट क्या है, पहले क्या था, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उसका क्या होगा हमारा, हमने जो 87A के अंदर रिबेट मिलता है जिसमें आपका अगर 5 लाख तक की इनकम होती थी वहां पे टैक्स जीरो हो जाता था, लेकिन जहां जहां वो 5 लाख 1 हजार होता था पूरे पे टैक्स देना पड़ता था, मतलब जो जीरो 12,500 रुपए का टैक्स रिलीफ मिलता था वो मिलेगा क्या, क्या वो न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा, अभी भी है या नहीं है। फिर बात आती है 7 लाख तक इनकम पे टैक्स जीरो है तो पुराने रिजीम का क्या हुआ जहां पे 5 लाख तक जीरो होता था, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर मैंने मेरे एम्प्लॉयर को, मैं जैसे नौकरी कर रहा हूं तो मैंने मेरे अगर DDO को या एम्प्लॉयर को कोई डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं किए तो वो मेरा ओल्ड रिजीम में चलेगा या न्यू रिजीम में चलेगा। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस साल तो नए स्कीम में रह लूँ अगले साल ओल्ड में चल जाऊँ, या फिर इस साल ओल्ड में रह जाऊँ अगले साल न्यू में चल जाऊँ। एम्प्लॉयर को ने कह दिया सर नए में ले लो और अगले साल होते होते मैं, मतलब फॉर्म 16 मिलने के बाद ITR बताते समय क्या मैं ओल्ड में जा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इन सबको समझने के बाद हमें ये समझना पड़ेगा मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा है, बीइंग एन SSE इंडिविजुअल के तौर पे क्या मेरे लिए बेनिफिट कौन सा है। मैं आपको एक चीज इसमें साफ साफ समझा दूं, इस पूरे वीडियो में आप एक चीज को ध्यान रखना, ये जो कैलकुलेशन है ना, मतलब न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम, प्योरली डिपेंडेंट केस टू केस बेसिस, हर बंदे का अलग अप्रोच हो सकता है। अलग अप्रोच का मतलब आप HRA का बेनिफिट ले रहे हो सकता है आपके साथ वाला होम लोन का बेनिफिट ले रहा हो, तो सेम स्लैब होने के बावजूद, सेम सैलरी इनकम होने के बावजूद दोनों में टैक्स डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि जरा सी इनकम वेरिएशन होगी यहाँ पे कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगा। अभी रिसेंटली पी चिदम्बरम सर ने ये भी कहा कि आप न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम कैलकुलेट करें, लेकिन उससे पहले अपने CA से डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये कैलकुलेशन अब वो ईजी नहीं रहेगा। जहां मंत्रालय कहता था कि हम सिंपल टैक्स कर रहे हैं, इनकम टैक्स इज गोइंग टू बी सिंपल टैक्स, वो सिंपल रह नहीं गया, खास करके जब ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम की बात करते हैं। हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजिम में जाएं तो दैट्स वेरी सिंपल, सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो। तो आगे बढ़ने से पहले अपन जानेंगे कि क्या टैक्स रिजिम है आज की डेट में। एक को बोला जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरे को जाता है न्यू टैक्स रिजिम। इसमें डिटेल में थोड़ा सा आपको डिस्कशन करता हूँ कि एक्चुअली सिचुएशन थी क्या और आज हो क्या गई, क्यों 7 लाख तक टैक्स जीरो है, क्यों 5 लाख तक टैक्स जीरो है कुछ कुछ केसों में, हुआ क्या था 2021 से पहले यानी 2020 तक। अब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन द 31 मार्च 2021, जो 31 मार्च 2021 तक कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे 31 मार्च, थोड़ी सी हैंडराइटिंग को आप बियर करना, 31 मार्च 2021 तक वहां पे सिर्फ एक ही टैक्स रिजिम था, सिर्फ एक ही तरीका था, वो क्या कि सर जितनी भी आपकी इनकम हुई है वो कैलकुलेट कर लो, उसमें से LIC, PPF, मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशंस, हैंडीकैप, हैंडीकैप डिपेंडेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर्स, HRA, अलाउंसेस, रीइंबर्समेंट अलाउंसेस, वो घटा लो, जो बच गए उस पे आप शुरू के 2.5 लाख पे जीरो, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, और उससे ऊपर जो भी जाएगा उस पे 30% टैक्स दे दो। लेकिन अब एक बार बताओ मुझे छोटी सी बात, आप मुकेश अंबानी जी पे जाओ और उनको ये बोलो कि सर आप ना LIC ले लो, आप ना PPF में पैसे डाल दो, आपका ना टैक्स बच जाएगा सर, सिर्फ बेवकूफ़ी है। आप उनको बोलो कि सर अपना मेडिकल इंश्योरेंस कर लो, आपका टैक्स बच जाएगा। जो व्यक्ति पूरा पूरा हॉस्पिटल चला रहा है उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सर मेडिकल इंश्योरेंस ले लो आपका टैक्स बच जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, मैं सीनियर सिटीजन हूँ,
मेरी लाइफ का मुझे नहीं पता कि मैं अगले 2 साल जी सकता हूँ। आप मेरे से उम्मीद करेंगे मैं 7 साल के लिए 15 साल के लिए पीपीएफ में पैसा ब्लॉक कर दूँ, 5 ईयर्स एफडी ले लूँ, एनएससी ले लूँ। तो इन चीज़ों की जैसे बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्याएं आ रही थी। दूसरी समस्या आ रही थी डॉक्यूमेंटेशन। एज ए एम्प्लॉयर मुझे डॉक्यूमेंट लेना पड़ता था अपने एम्प्लॉय से कि भैया तुमने एचआरए क्लेम किया वो दो, सामने वाली पार्टी ने अब एचआरए का रेंट इनकम दिखाया नहीं दिखाया वो दो, आपने LIC EPPF इन सब के रसीद दो, पूरा 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 पिटारा एचआर के सामने खोलना पड़ता था। एचआर को उस पिटारे को चेक करता, फिर कभी स्क्रूटनी में आ जाओ तो डिपार्टमेंट उसको चेक करने बैठता था। तो 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर अगेन निर्मला सीतारमण मैडम ने एक प्रपोजल दिया। क्या उन्होंने कहा एक काम करते हैं न्यू टैक्स रिजिम लेके आते हैं। उन्होंने कहा हम न्यू टैक्स रिजिम, एक टैक्स रिजिम जो पहले से चला आ रहा है और अब न्यू टैक्स रिजिम लेके आते हैं जिसको मैं अजय अग्रवाल इसको शॉर्ट में NTR पढ़ेंगे, ठीक है, और ओल्ड जो चला ही आ रहा था उसको OTR पढ़ेंगे। 2021 में बजट, 2021 के बजट में इन्होंने ये इंप्लीमेंट किया। इन्होंने कहा कि बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 जो साल शुरू होगा उस साल से 2 टैक्स रिजिम चलेंगे, OTR तो था ही था और NTR। इस NTR में एक सीधा से इन्होंने किया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब किसी भी प्रकार का रिडक्शन, रिबेट, कैलकुलेशन, इनसे परे हट जाओ आप, ये सब मोह माया और कुछ नहीं है। आपने सिंपली अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करो, आपकी सैलरी है तो आपको ग्रॉस पता है, उस पर आप उठा के 5, 10, 15, 20, 25 और 30, सर 25, हाँ जी 25 भी था उसके अंदर, 25% में टैक्स दे दो। अब 2 स्लैब हो गए, एक तो न्यू, एक हो गया न्यू और एक हो गया ओल्ड। इस न्यू को जो NTR है इसको इस साल बजट 2023 के अंदर इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। थोड़ा सा और मॉडिफाई मतलब इसके अंदर 5, 10, 15, 20 के बाद सीधा 30, 25 वाला जो स्लैब था वो हटा दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो हर 2.5 लाख पे इंक्रीमेंट हो रहा था उसको हटा के अब हर 3 लाख पे इंक्रीमेंट करो, मतलब पहला 3 लाख 0 to 3 लाख इसके ऊपर टैक्स 0, उसके बाद जो 3 लाख का जंप करते चलो आप, इस पे आपको 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30, यानी अगर 15 लाख के ऊपर जा रहे हैं आप तो आप पे 30% का टैक्स लेंगे। ये इन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कोई डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई मोह माया नहीं, किसी प्रकार की कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये इन्होंने सिंप्लीफाई किया और न्यू टैक्स रिजिम को जो 2021 में हुआ था इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए ये स्लैब रेट चेंज किया। और एडिशनली इसके अंदर इन्होंने कहा अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था आपको 50,000 रुपये का सेक्शन 16(1A) के अंदर, ये सेक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी सारे टैक्स प्रोफेशनल्स भी देख रहे होते हैं तो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है, तो उस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने सेक्शन लिखा। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A के अंदर आपको सैलरीड क्लास को 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने पहले सिर्फ OTR को दे रखा था, ओल्ड टैक्स रिजिम को, अब इन्होंने NTR को भी दे दिया। तो अब अपन ने बेस समझ लिया, बेस अपन समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। और हाँ, वीडियो के एंड में अपन कैलकुलेशन करेंगे एक एक इनकम पे, मतलब 7 लाख इनकम हुई तो मेरे लिए ओल्ड है क्या, 7.5 हुई तो मेरे लिए ओल्ड इज गोल्ड और न्यू इज गोल्ड, विच वन इज गोल्ड, तो एक एक कैलकुलेशन करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे इसके अंदर कहाँ तक जान सकते हैं हम लोग। अब बात आती है स्लैब रेट की। स्लैब रेट जो है हमारा प्रपोज्ड असेसमेंट ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2024-25 का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जो हम CAs को हैंडल करना पड़ता है आप SSCs की तरफ से। सर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का मतलब होता है बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, इस साल में, इस 12 महीने में जो आपने कमाया है उसका असेसमेंट हम करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 में, यानी साल खत्म होने के बाद। अभी जो बजट आया है बजट 2023, इसको हम बोलेंगे
फाइनेंस एक्ट 2023 विच इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक है, तो ये जो स्लैबरेट्स अनाउंस किए उन्होंने, ये उन इनकम पे एप्लीकेबल होगा जो आप 1 अप्रैल से कमाना शुरू करेंगे। अभी आप जो जून 2023 में आईटीआर भरने वाले हैं ना, उसके लिए सीएस आपको मत कह देना सर 7.5 लाख रुपए तो एग्जाम कर चुके, 7 लाख एग्जाम कर चुके, 5 लाख एग्जाम कर चुके, आप इतना टैक्स ले रहे हो, आप लूट रहे हो, मैं ना जा रहा हूँ दूसरे सीए पे। नहीं भैया नहीं, ऐसा ना करना। सीए साहब आपको समझा नहीं सकते इतनी डिटेल में, कब कब समझाएंगे वो। जो नया स्लैब है ना, वो एप्लीकेबल होगा आपके उन इनकम पे जो आप 1 अप्रैल 2023 से कमाना शुरू करेंगे और 31 मार्च 2024 तक कमाएंगे। बजट आगे के लिए होता है, पीछे के लिए नहीं। कोई भी बजट और एस्टिमेट जो होते हैं वो आगे के लिए होता है। तो स्लैब रेट में वापस आता हूँ, 0 to 3 लाख 0%, 3 लाख to 6 लाख 5%। अब आप इसमें देखेंगे 3-3 लाख का जंपिंग हो रहा है, 0, 5, 10, 15, 20, और वहीं पे अब 15 लाख के ऊपर गए तो सीधा 30%। 25 वाला स्लैब जो पहले हुआ करता था उसको इन्होंने हटा दिया। ठीक है, साथ के साथ ये एनटीआर के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजिम आज भी लागू है, ओल्ड अभी भी है, यानी टैक्सेशन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट जो एनटीआर बोलूंगा, जिसको गवर्नमेंट ने सेक्शन 115 BAC फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत इंट्रोड्यूस किया था। सर ये 2021 में ही इंट्रोड्यूस हो चुका था, बात अलग है। ये इतना सिंपल था कि लोगों को समझ में नहीं आया, अब इसको इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया है कि लोग समझना चाह रहे हैं। समझ में अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन आज समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजिम, जिसको हम कहेंगे अनअट्रैक्टिव टैक्स रेट, अभी भी एप्लीकेबल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ATC का बेनिफिट ले रहे हैं, होम लोन यानी 24B का बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपके लिए आज भी 0, 5%, 20%, 30% एप्लीकेबल है। ठीक है, फाइनेंस एक्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या क्या बेनिफिशियल आपके लिए है और क्या क्या नहीं है। इन्होंने कहा कि सेक्शन 115 BAC के अंदर 1A इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नया स्लैब रेट डाला, और स्लैब रेट के साथ साथ इन्होंने कहा सब सेक्शन 2 भी डाल दो। और उस सब सेक्शन 2 में इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि सर विदाउट एनी, आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अगर, एक सेकेंड, विदाउट एनी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 13A, यानी आपको जो LTA वाला बेनिफिट मिलता था वो भूल जाओ। फिर उन्होंने कहा कि सब सेक्शन, सॉरी, ये सब सेक्शन 5 इज फॉर LTA, 13A इज फॉर HRA, इस तरह से सब कुछ भूलते चल जाओ आप। लेकिन हाँ, लास्ट में आके उन्होंने कहा कि चैप्टर 6 से भी भूल जाओ। अरे ये क्या, 6A में क्या आता है? चैप्टर 6A का मतलब होता है ATC, आपका LIC वगैरह, आपका ATD, आपका ATG, डोनेशन भी भूल जाओ, ATU अगर आप हैंडीकैप है, ATDD अगर आपके डिपेंडेंट डिजेबिलिटी है, ATDDB अगर आपके ऊपर कोई स्पेसिफाइड डिजीज वाला डिपेंडेंट है, सब भूल जाओ। लेकिन हाँ, दो चीज अलाउ कर दी इन्होंने। दो चीज क्या अलाउ कर दी इन्होंने, कहा ATCCD यानी एनपीएस, ATCCD2, सॉरी, ATCCD2 यानी एनपीएस कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, प्लस ATCCH जो इन्होंने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है अग्निवीर वालों के लिए, इन्होंने कहा ATCCH2 यानी अग्निवीर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन करती है इसको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। सेल्फ कंट्रीब्यूशन हटा दिया और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको इन्होंने डिडक्शन अलाउ कर दिया। पूरे समरी को मैंने, जो अपन ने अभी देखा क्या अलाउ किया, क्या डिसअलाउ किया, इसको मैंने एक ब्रीफ फॉर्मेट में दिया है। एक पूरा मैंने इसको टेबुलर फॉर्मेट बनाया, जिसको मैं एक एक चीज डिटेल में चलेंगे और उसमें समझेंगे कि क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं है। दिस इज द फॉर्मेट जिसके अंदर आप देखेंगे LTA सब सेक्शन 10(5) में अगर आप लीव ट्रेवल पर जा रहे हैं तो आपको आने जाने का किराया मिलता था। ओल्ड रिजिम में मिलता है, था, मिलता रहेगा जब तक ओल्ड रिजिम जिंदाबाद रहेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। वैसे ही HRA की छूट आपको नहीं मिलेगी। ये तो सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि मैं मेरे तजुर्बे से बता रहा हूँ सर, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज HRA का बेनिफिट पूरा क्लेम करने के चक्कर में फर्जी स्लिप लगाया करते थे। अब फर्जी स्लिप के चक्कर में कुछ ना कुछ गलतियां भी कर जाते थे, या फिर कभी स्क्रूटनी में चले गए किसी भी कारण से, वहां पे फिर वो टैक्स एंड पेनल्टी भरा करते थे। टैक्स भरो, फिर इंटरेस्ट भरो, और उसके बाद पेनल्टी भरो, फॉर फॉर्जरी का केस और संभालो।
सिंपली वे हो गया ना। तो इन्होंने कहा न्यू टैक्स रिजिम में हम कुछ नहीं देना आपको, टेंशन ही खत्म करो, आप रेंट पे दे रहे हो नहीं दे रहे हो सब बराबर है हमारे लिए, सब मोह माया है। अब आती है फिर अलाउंसेस, सब सेक्शन 10-14 के अंदर। अरे अलाउंसेस, कौन से अलाउंसेस? कार, यूनिफॉर्म, इंटरनेट, टेलीफोन, बुक्स एंड पीरियडिकल्स, ड्राइवर, ये वो अलाउंसेस हैं जो या तो ओवर रिच यानी ओ हाईली पेड सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलते थे, या फिर आज की डेट में उनको मिलता है जिन्होंने अपना टैक्स प्लानिंग कर रखा है सीए के साथ मिलके, अब फर्जी बिल लगा रहे हैं बैठे बैठे। तो सर ये भी नहीं मिलेगा न्यू रिजिम में आपको। एमपी और एमएलए को काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उनको कंस्टिट्यूंसी अलाउंसेस मिलते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। क्लबिंग के टाइम पे अगर आप बच्चे की इनकम पे डालते हैं, और बच्चे की इनकम जो कि माइनर है वो क्लब होता था आपके में, जब बच्चे के नाम पे आपने एफडियां कर दी तो क्लब होएगा, आपके इनकम में क्लब होगा, तो आपको 1500 रुपए का डिडक्शन मिलता था, वो भी हटा दिया। अरे इनकम तो आपकी है ना, वो थी आपकी, बच्चे ने कौन सा कमाया, वो थी आपकी, आपने आपका था, आपने बच्चे के नाम कर दिया, उसके नाम पे 1500 डिडक्शन किस बात का? नहीं मिलेगा साहब। होम लोन का इंटरेस्ट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। हाँ रेंटेड है तो मिलेगा, वो रेंट इनकम में एडजस्ट कर लो, खत्म, उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। होम लोन का इंटरेस्ट जो आप सैलरी में से डिडक्शन ले लेते हो वो नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड में तो पहले से मिल रहा था, न्यू में नहीं था, यानी 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर था, 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें तो नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो साहब आप आईटीआर भरे समय ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिज्यूम में नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसको सॉफ्टवेयर अलाउ कर नहीं रहा इनकम टैक्स का, आपने माइनस करके लिख दिया, नहीं 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 इस साल में नहीं लेना है आपको, आपको मिलेगा ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये ध्यान रख के चलना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजिम में अगर आप जा रहे हैं तो 80CCD2 और 80CCS2, जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सॉरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, 80CCS2 अग्निवीर वाला है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अग्निवीर में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा, अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने अग्निवीर हायर किया नहीं है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, तो दोनों में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एलिजिबल। यानी जो 80CCD1B के अंदर हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर लिया करते थे वो भी हटा दिया गया, अब वो हटा दिया गया तो सिंप्लीफाई हो गया ना, बिल्कुल सिंप्लीफाई। आप राकेश झुनझुनवाला साहब तो अब चले गए, आप अगर ये सोचो अगर वो आज के दुनिया में होते तो आप उनसे क्या उम्मीद करते? सर आप ना पीपीएफ में पैसा डालो 1.5 लाख रुपए का, आपका ना टैक्स बचेगा कितना सर? 30%। चलो आप तो हाईएस्ट स्लैब में थे सरचार्ज के 41.2%, जो अब घट के वापस 39% के आसपास आ गया है, फिर भी फॉर रफ कैलकुलेशन लेट्स टेक अबाउट 40%। सर आप 1.5 लाख रुपये डालो 40%, यानी आपका 30,000 रुपये का टैक्स बच जाएगा। 30 क्यों, 60,000, सॉरी 60,000 टैक्स बच जाएगा। वो बोलेंगे बावला है कि मैं 40% तो 2 दिन में मार्केट से कमा ले जाऊंगा, तुम पूरे साल में मेरा 40% बचाओगे पैसा ब्लॉक करके? तो एक प्रकार की स्टूपिडिटी थी। अच्छा आज की डेट में बहुत सारे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे हैं जो एम करते हैं कि मुझे ना, या डॉक्टर्स भी खास करके, कि वो ये एम करते हैं कि मैंने क्वालिफाई हुआ या थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने फॉरेन जान जाना है, मैंने कनाडा शिफ्ट हो जाना है। अपने पंजाब के लोग तो वैसे ही कनाडा जाके टिकते हैं, उनको वहीं की रोटी हजम होती है। अब आप उनसे उम्मीद करो कि सर आप पीपीएफ ब्लॉक कर लो पैसा, वो कहेगा भैया मुझे वैसे 4 साल बाद छोड़ के जाना है, मैं क्यों करूं? मेरे घर में मेरे दादा है बीमार है, मैं उनके इलाज में खर्च करूं या टैक्स बचाने के चक्कर में वहां खर्च करूं? अच्छा डिपार्टमेंट की तरफ से भी देखा जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने में, जो अलाउंसेस और ये बैंक स्टेटमेंट, क्रॉसबॉर्डरिंग बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट किसने किया, अच्छा LIC की छूट तो आप ले रहे हैं, पेमेंट मैडम ने करी है, अब वो मैडम के असेसमेंट और खोलो साहब। ये सिंप्लीफाई मतलब इन फालतू के पगड़े मत पड़ो, सीधा सीधा स्टेट टैक्स लगाओ, जो इंटरनेशनल लेवल पर टैक्स लग रहा है। सेविंग्स पहले था कि पहले लोगों को मोटिवेट करना पड़ता था, भैया सेविंग्स करो, आजकल तो हर कोई डीमेट पर पैसा लगा हुआ है, नोटबंदी और कोरोना ने ये काम तो कर ही दिया, हर बंदे का डीमेट अकाउंट खोल दिया। तो आप इसमें जरूरत ही नहीं है ना कि गवर्नमेंट दिमाग लगाए कि भैया सेविंग्स करो, रिटायरमेंट और बुढ़े की बुढ़ापे की तैयारी करो, बिल्कुल सिंपल। अच्छा वहीं ये फायदा ना इसको भी मिलेगा, किसको? एम्प्लॉयर के एचआर डिपार्टमेंट को। क्यों? उनको बेचारे को पूरे जनवरी और फरवरी मंथ में बैठ के डॉक्यूमेंट चेक करने होते थे, वो भी रिलैक्स फील करेंगे, मजा आ गया, जय हो फाइनेंस मिनिस्टर की। सेकेंडली इसका बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स, आप उनसे आप उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट करो, तो इट्स काइंड ऑफ अनपैरेलल बैलेंस स्कीम। मतलब एक तो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको आप वो दे रहे हो, लेकिन वो बंदे के पैसे भी तो होने चाहिए ना हाथ में इन्वेस्ट करने के लिए, मेरी नेसेसिटीज इतनी है कैश इन हैंड की। तो लेट्स गो मूव एड। अब बात आती है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको इन्होंने
बाकायदा अमेंडमेंट किया है 87 के अंदर, जिसके अंदर एक प्रोविजो इंसर्ट किया है, और इस प्रोविजो में इन्होंने कहा है कि इफ एसएससी इज गोइंग फॉर 115 बीएसी यानी न्यू टैक्स रिजीम एनटीआर के अंदर जा रहा है, तो उसकी जो 5 लाख की जो वो थी 87 के अंदर रिबेट की, उसको हटा के 7 लाख कर दी जाए, और जो 12.5 हजार थी इसको बढ़ा के 25 हजार कर दिया जाए। अब आप इस बात को समझो सर, ये ना जो लिमिट है 5 लाख और 7 लाख, आप यहाँ देखोगे 500 रुपीज, 500,000 रुपीज एंड 700,000 रुपीज, ये तभी मिलता है जब आपकी इनकम इसके बिलो हो। मतलब अगर आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 7,100 रुपए भी है अगर, तो सर ये जो 87 का रिबेट है ना, ये भूल जाओ आप, नहीं मिलेगा। तो लोग खुश हो रहे हैं ना कि 7 लाख तक टैक्स जीरो। अरे नहीं भैया, 7 लाख तक टैक्स जीरो नहीं है, 7 लाख के अंदर अंदर हो तो ही जीरो है, क्योंकि आपको पहले टैक्स जोड़ा जाएगा, उसके बाद 87A का रिबेट निकाला जाएगा। ये हम एक्सेल में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा बकायदा। अच्छा, दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि मिनिमम स्लैब भी 3 लाख हो गया। नहीं भैया, ओल्ड रिजिम में अभी भी 2.5 लाख है, तो यू नीड टू कैलकुलेट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक्सेल कैलकुलेशन में 1:1 बेसिस पे कहां धोखा खा रहे हैं लोग। आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाला है सीएस के लिए खास करके, बिकॉज दे नीड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एसएससीज फॉर देयर क्लाइंट्स, दे नीड टू कैलकुलेट ऑन इंडिविजुअल बेसिस कि इसको क्या बेनिफिट है, इसको क्या बेनिफिट नहीं है। अच्छा, एक बार एनटीआर में आ गए, न्यू टैक्स रिजिम में आ गए, तो क्या ओल्ड ले सकते हैं, और ओल्ड में अगर एनटीआर ले सकते हैं वो भी जानते हैं। ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट, सर अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी 60 ईयर्स से अबव के हैं तो ठीक है, और या फिर आप सैलरीड है, पेंशनर है। अब आप बोलोगे सर पेंशनर तो वैसे सीनियर, नहीं भैया फौज वाले ना जल्दी रिटायर हो जाते हैं, 35-36 साल के एज में तो फौज घर भेज देती है आपको, तो आप पेंशनर हैं, पेंशन आती है, यानी कुल मिला के देखा जाए तो पैसिव इनकम अगर आपकी है, तो आपको गवर्नमेंट ने कहा ठीक है सर, आप ना ऑप्ट इन ऑप्ट आउट हर साल कर लिया करो, मन मर्जी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप देश के लिए काम आए हो, आपने अपने जीवन अपना सब कुछ देश के लिए लगा दिया है, सैलरीड क्लास ने भी अपना पूरा जी जान लगा रखा है, तो आप ना हर साल ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम है, बिजनेस इनकम है यानी एक्टिव इनकम है, तो आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की कबड्डी नहीं खेल सकते। मतलब अगर आप एक बार न्यू में आ गए तो आप ओल्ड में जा तो सकते हो, लेकिन वापस नहीं आ सकते। आप ओल्ड में हो, न्यू में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओल्ड में हो, न्यू में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस भी ओल्ड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओल्ड से वापस न्यू में जाना है फिर नहीं होएगा। यानी एक बार आप न्यू से बाहर निकल गए तो आपको न्यू से दोबारा एंट्री नहीं है, री एंट्री नहीं है। ये एक इसी प्रकार से है जैसे आप एम्यूजमेंट पार्क में घुसते हो ना, एक बार टिकट कटवा ली तो दोबारा बाहर निकल गए तो दोबारा घुस नहीं सकते। दोबारा घुसने के लिए वहाँ टिकट तो लगती है या तो टिकट भी नहीं है, किसी भी हाल में नहीं घुस सकते। हाँ, एक टिकट हो सकती है जो वित्त मंत्रालय दोबारा कभी फ्यूचर में भविष्य में अलाउ कर दे। बजट 2023 के अंदर इस पूरे से इसको एनटीआर को, न्यू टैक्स रिजिम को, इन्होंने इतना अट्रैक्टिव बना दिया है कि पीपुल आर फोर्स्ड टू डिस्कस अबाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्सेशन। अब बात आती है कि ओल्ड टैक्स रिजिम ले या न्यू टैक्स रिजिम ले, बात तो सही है, इतनी हमने वीडियो देखी, किस लिए, इसीलिए तो देखी कि हमें ओल्ड पे जाना है न्यू पे नहीं जाना है। तो सर एक काम करते हैं, अपन चलते हैं एक्सेल पे, उस एक्सेल पे ना बड़े किंतु परंतु से लगाएंगे, देखेंगे क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, आइए मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ। एक बार आइए एक्सेल पे कैलकुलेशन करके देखते हैं। मैंने एक एक्सेल प्रिपेयर किया है जिसमें ब्रीफ मैं आपको देता हूँ। एक बार सैलरी लिया है मैंने, एचआर एग्जम्पशंस अगर आपने कोई एचआर या एलटीए कोई भी अलाउंसेस का ले रहे हैं, होम लोन अगर आपने ले रखा है तो होम लोन का इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिस सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए होगा, चाहे न्यू टैक्स रिजिम में हो चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम में हो, आपकी LIC वगैरह, आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, आपने NPS में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने हैंडीकैप का ले रखा है, डिपेंडेंट हैंडीकैप्स का ले रखा है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स का ले रखा है,
आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉयर ने आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बाद नीचे देखेंगे इसमें ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम के अंदर मैंने टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकाला है। इसमें भी ये ब्लू वाले में ये दिस इज द न्यू टैक्स रेजिम एंड दिस ऑरेंज कलर इज द ओल्ड टैक्स रेजिम। स्लैब रेट्स 5%, 10%, 15%, 20, 30, यानी पहले 3 लाख तक 0, उसके अगले 3 पे 5, अगले 3 पे 10, अगले 3 पे 15, अगले 3 पे 20 और उसके अगले फिर जो भी अमाउंट आएगा यानी 15 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आएगा वो 30%। वैसे ही इस पे पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20% और उसके ऊपर जो भी आएगा 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम आएगा उस पे 30%। दोनों में ही 87A का रिबेट है। अगर आपकी इनकम न्यू रिज्यूम में 7 लाख के नीचे है और ओल्ड रिज्यूम में 5 लाख के नीचे है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा 87A के अंदर। अब कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज आपकी सैलरी इनकम 5,60,000 है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं कर रखा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होएगा ऑफकोर्स न्यू रिज्यूम, क्योंकि आपका टैक्स लाइबिलिटी ओल्ड रिज्यूम में 15,000 रुपये बनेगा। वहीं आपने अगर HRA एग्जेम्पशन ले रखा है, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 30-35,000 का ही ले लिया आपने, तो आपको टैक्स आपका न्यू रिज्यूम में ओल्ड रिज्यूम में दोनों में ही 0 बन जाएगा। लेट सपोज इनकम को बढ़ाते हैं, आपकी 7,50,000 है, सैलरीड है, दोनों में ही कोई आपने बेनिफिट नहीं दे रखा, तो आपको ओल्ड रिज्यूम में आपका टैक्स बनेगा 54,000 और आपका न्यू रिज्यूम में बनेगा 7 लाख। अब अगर आपको ओल्ड रिज्यूम में ही रहना है या फिर आपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, होम लोन ले रखा है आपने, अपने बच्चों के स्कूल फीस मोटी मोटी भर दी है, आपको लग रहा है नहीं मैं तो ओल्ड रिज्यूम में ही मैं फिर भी बेनिफिशियल हूँ, यू कैन कंटिन्यू इट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका आपका एजुकेशन सॉरी होम लोन का ही आपका इंटरेस्ट 1 लाख का बन रहा है और आपने 1.5 लाख रुपए का ATC वगैरह पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप देखेंगे आपका ओल्ड एंड न्यू दोनों में ही टैक्स 0 आ रहा है। सेम कंडीशन पे मैं इस इनकम को अगर 12.5 लाख कर देता हूँ तो आप देखेंगे न्यू रिज्यूम में आपका टैक्स कम बन रहा है, ओल्ड में ज़्यादा बन रहा है, तो इन दिस केस न्यू रिज्यूम इज मोर बेनिफिशियल। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि दिस इज नॉट समथिंग कि मुझे बुखार हुआ था तो मैं भी बुखार हो गया तो मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दी थी तुम भी ये दवाई ले लो, नहीं ऐसा नहीं करना है। एवरी वन इज हैविंग सेपरेट सिनेरियो, सबका एपेटाइट लेवल, सभी का पाचन शक्ति अलग अलग होगा न्यू रिज्यूम और टैक्स रिज्यूम के कैलकुलेट करने में, क्योंकि सबकी सैलरीज अलग हैं, कंपोनेंट्स अलग हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर्स अलग है, नेचर ऑफ सेविंग्स अलग है, हर कुछ अलग है, तो आपको कहीं भी कहीं इसके अंदर मर्ज करके नहीं चलना है किसी भी हाल में, सबको अपना इंडिपेंडेंट कैलकुलेट करना है और प्रॉपरली क्लियर कैलकुलेट करना है, अपने CS का हेल्प करके कैलकुलेट करें। जैसे मान के चलिए कि आपने होम लोन का इंटरेस्ट आपका -2 लाख है, इसी केस में अगर 12.5 लाख की इनकम है 2 लाख है तो आपको अब ओल्ड रिज्यूम में बेनिफिट है, तो केस टू केस आप देखेंगे केस टू केस बेसिस पे आपको चलना पड़ेगा कि व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड। व्हाट इज अलाउड इन न्यू रिज्यूम इज जस्ट टोटल इनकम विच इज सैलरी PGBP हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन। उसके अंदर अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और आप एम्प्लॉई हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर एम्प्लॉय जिसका NPS का कंट्रीब्यूशन हुआ है तो आपको ATCC2 या फिर ATCCH2 अगर अग्निवीर कंट्रीब्यूशन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो उसका डिडक्शन मिलेगा, इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपका होम लोन का सेल्फ होम लोन का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का भी इंटरेस्ट का छूट नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि 7 लाख का मतलब हो गया सारी कंपटीशन करने के बाद, नहीं 7 लाख का मतलब है विदाउट एनी डिडक्शंस विदाउट एनी एग्जेम्पशंस अदर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड NPS बाय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसके बाद ही 7 लाख का अगर आप फॉल कर रहे हैं तो ही छूट मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये भी रखेंगे दिमाग में कि न्यू रिज्यूम का बेनिफिट और ओल्ड रिज्यूम का बेनिफिट आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं अगर आप सैलरीड हैं तो ही, या फिर रिटायर्ड पर्सन है, पैसिव इनकम होनी चाहिए आपकी, एक्टिव इनकम यानी बिजनेस इनकम अगर आ रही है तो आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की कबड्डी नहीं खेल सकते हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आई बिलीव कि मैंने 99% के क्वेश्चन को FAQs को आपके इफ एंड बट को मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। अगर अभी भी कोई असमंजस रह रही हो आपके अंदर तो बेफिक्र आप मुझे कमेंट में डालें और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस आउट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।